सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे नए वीडियो में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि वीवो Y72 में नेटवर्क सेटिंग कैसे करते हैं। देखेंगे दोस्तों, आपको हम यहाँ पे फुल बताएंगे कि किस प्रकार से आप फुल नेटवर्क सेटिंग कर पाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों करना क्या है। पहले हम अपनी सेटिंग को ओपन करेंगे। जैसे हम सेटिंग को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। तो आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप सिम कार्ड पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आप जो भी सिम पे डाटा यूज करते हैं उस आप सिम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे में सिम वन ही पड़ी तो हम सिम वन ही सिलेक्ट करेंगे, उसी पे हम डाटा चलाते हैं। तो देखेंगे दोस्तों करना क्या है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे ये आपका रोमिंग जो है ये आपका ऑफ होगा। इसको आपको सदैव ऑन रखना है, क्योंकि आप कहीं भी अदर कंट्री या कहीं भी जाते हैं वहाँ पर आपका जो है नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे लोकेशन चेंज के हिसाब से। तो आपको ये सदैव ऑन रखनी है। इस तरीके से दोस्तों आप ऑन कर लेंगे। जैसे ही आप ऑन करेंगे, अब यहाँ पे नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा है प्रीफेटेड नेटवर्क टाइप। तो आपको प्रीफेटेड नेटवर्क टाइप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका ये जो ऑप्शन है ये आपका यहीं पर होगा 2G+3G+4G प्रीपेड, यानी कि 4G प्रीपेड 3G और 2G पे होगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि देखेंगे 5G प्रीपेड 4G 3G 2G, तो आपको इस पर क्लिक रखना है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क। ये आपका ऑप्शन जिससे ऑफ हो तो इसको आपको ऑन कर लेना है। इसे यदि ऑन रखेंगे तो इससे दोस्तों ये होगा कि आपका कहीं भी जाते हैं, ये 2G नेटवर्क है तो ऑटोमेटिक 2G नेटवर्क पकड़ लेगा, या 3G है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक 3G नेटवर्क पकड़ लेगा, 4G है तो 4G, 5G है तो 5G। ये अपने आप ऑटोमेटिक आपका जो भी वहाँ पर नेटवर्क जिस प्रकार का प्राप्त कर रहा है उसी स्पीड में आपका डाटा चलेगा।